विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है, जिसको कि हम सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पौधे लगाते हैं और फोटो खिंचाते हैं उसके साथ में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पौधे लगाने के बाद उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी की। और सरकार भी यही करती है कि पौधे लगाकर भूल जाती है कि उनकी हमें मेंटेनेंस भी करनी। जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें जान होती है, जैसे हम लोगों के अंदर जान होती है, हम लोग सांस ले सकते हैं या हम लोग पानी पी सकते हैं, हम लोग उसी तरह पौधे भी पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और सांस लेते हैं। तो एक तरह से हम उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं पौधों को, जो कि एक हत्या है। हाई कोर्ट ने गंगा माँ को भी कहा है कि जीवन है उनके अंदर, उनको एक प्राणी की संज्ञा दी है। तो पौधों को भी यही संज्ञा है कि वे भी एक प्राणी है, उनकी भी हत्या करना पाप है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मात्र फोटो सेशन करा लेने से, पौधे लगा के, इससे ही हमारी कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं। हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार को, कई सुझाव मैंने दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी हमने भेजा है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी, कि सड़क के किनारे आजकल आप देख रहे होंगे कि टिम्बर के पेड़ गायब होते जा रहे हैं, उसकी जगह सब झाड़ियों वाले पौधे या ऐसे पौधे जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको लगाया जाता है। तो हमारा सुझाव यही है कि आप सड़कों के किनारे अधिक से अधिक टिम्बर वाले पेड़ लगाएं और फलों के पौधे आप लगाएं। आजकल शहरों में बंदरों का बहुत आतंक है। बंदरों का आतंक इसलिए है क्योंकि उनको जंगल में खाने पीने को नहीं मिलता है। वो खाने पीने को ना मिलने की वजह से वे शहर में मोहल्लों में भागते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग उनके कुछ उनको खाने पीने का हम रख देते हैं, तो जिससे कि वो वहीं पर आसपास घूमते हैं। जब फलों के पौधे शहर के बाहर लगेंगे, हाईवेज पे लगेंगे और सिटी के बाहर लगेंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बंदर शिफ्ट होंगे उधर और हमें उनसे निजात मिलेगी। इसके साथ ही हमें पौधे जो लगाने चाहिए, हमें टिम्बर के पेड़ में फलदार पेड़ हैं, शीशम है, देवदार है, बरगद है, कटहल है, पीपल, नीम, आम, अर्जुन इत्यादि तमाम पेड़ हैं जिनको कि हम लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सर्वाइव करेंगे। और जो ऑक्सीजन मिलेगी पीपल में या नीम में और आपके बड़ का पेड़ जो होता है, वो उतनी ऑक्सीजन और कोई पेड़ नहीं देगा आपको। लेकिन सरकार ने भी पीपल, नीम, बड़ इनको लगाना बंद कर दिया है। जो सरकार पौधे लगाती है हर साल, उसमें 20% टिम्बर के पेड़ होते हैं और 80% सब होते हैं झाड़ियों वाले पौधे होते हैं। तो झाड़ियों वाले पौधों से हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितने कि हमारे टिम्बर वाले पेड़ से हमें मिलेगी। और टिम्बर का उसका हमारे लिए इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फायदेमंद है टिम्बर के पेड़। तो हमें इसको रेशियो को उल्टा कर देना चाहिए। हमें स्टब वाले पेड़ जो है वो 20% लगाने चाहिए और 80% हमें टिम्बर के पेड़ लगाने चाहिए, तब फिर हमें इसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। क्योंकि हम आज जो हमारा पौधे, जब हम कोई भी हाईवे हम बनाते हैं, हाईवे बनाते समय हजारों पौधे, हजारों पेड़ हम काटते हैं। एक पेड़ काटने पे 10 पेड़ लगाने का प्रावधान है, लेकिन हम पेड़ काटते हैं 25 साल का, 30 साल का, 35 साल के पेड़ों को हम काटते हैं और उसकी जगह हम साल भर और 2 साल के पौधे हम लगाते हैं, तो वो हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं जितनी कि हमें 25 साल का पौधा या 30 साल का पेड़ हमें देगा। तो इस वजह से जो एनवायरनमेंट में जो डिसबैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन जो कम हो रही है, हम चाहे जितना वृक्षारोपण कर ले, जितने भी हम कर ले, पौधे हमें ऐसा हमें तैयार रखने चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए पौधों को काटने की जगह हम
उनको शिफ्ट करें एक जगह से दूसरी जगह। आजकल तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, विदेशों में तमाम जगह हो रहा है, इंडिया में भी कई जगह शिफ्टिंग का काम हुआ है। तो इसको हम बड़े पैमाने पर लाए, इसमें हमें सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से लग के इस पर ध्यान देना होगा कि हम पौधों की शिफ्टिंग पर हम फोकस करें अपना ध्यान और पौधों को शिफ्ट कराएं बजाय उनको काटने के। इसी तरह यूपी फैक्ट्री रूल्स है, यूपी फैक्ट्री रूल्स में रूल 128 में लिखा हुआ है कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, यानी कि जो भी कंपनी जहाँ पे भी 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर अगर 100 कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने वहाँ पर प्रॉपर पौधों का इंतजाम करना है, पौधे लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है। अपने वन विभाग से भी आपको सहयोग लेना है कि यहाँ कितने पौधे, कौन से पौधे यहाँ चलेंगे, कौन से लगाने हैं, उसको लगा के पूरा मेंटेन करना है। इस पर बाकायदा सेक्शन है और इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अधिकतर कंपनियों में पौधे लगाने के नाम पर खाना पूर्ति होती है और नहीं लगाए जाते हैं। इंस्पेक्टर भी अगर जाएगा कंपनियों में तो और सारे क्लॉज लगाएगा कि ये सेक्शन में आपने वायलेशन किया, इस सेक्शन में वायलेशन है, लेकिन 128 पे कोई वायलेशन नहीं लिखा जाता है। और भी कई अधिनियम है इसी तरह, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण के लिए अथॉरिटी में भी नियम है कि अगर आप अपना मकान बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आप वृक्षारोपण करेंगे इसी तभी आपका नक्शा पास होगा, लेकिन उसका प्रॉपर पालन नहीं हो रहा है। हर विभाग को वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया जाता है, हर साल पेड़ भी उनको मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन जितने भी सरकारी विभाग हैं वो केवल कागज पर अपने पौधों को लगाकर, पेड़ को लगाकर उसकी इतिश्री कर लेते हैं कि यहाँ पौधे लगा दिए। मैं गंगा समिति में भी हूँ, गंगा समिति में भी मैंने ये मुद्दा उठाया है कि आपने, आपके पास 10 जगह जमीन है। सबसे बड़ी दिक्कत है, विभाग की भी गलती हम क्या दें कि जब सरकार को देखना होगा कि जब जमीन नहीं है हमारे पास में तो पौधे हम कहाँ से लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे। जमीन लिमिटेड है, जिनके पास जमीन है, वास्तव में जमीन है जिनके पास, उनको टारगेट कम दिया जाता है, कम पौधे लगाने का। जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है उन विभागों को अधिक पौधे लगाने का टारगेट दिया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जिनके पास अधिक जमीन है हमें उनको टारगेट देना चाहिए। अब होता क्या है कि पौधे लगाने के लिए ये विभाग करते क्या है, एक जगह पर उन्होंने दिखाया कि हाँ सपोज इस खसरा नंबर पे या इस प्लॉट पे, इस एरिया में हम ये पौधे सन 2020 में लगाए, हमने 50 पौधे या 100 पौधे, तो अगले साल फिर वो वहीं पर पौधे लगा के फिर दिखाएंगे कि हाँ इस प्लॉट में हमने इतने पौधे लगाए। अरे आप पिछले पौधों का भी तो रिकॉर्ड देखिए कि पिछले पौधे जा कहाँ रहे हैं। जो रेशियो अगर आप देखेंगे, हकीकत आप चेक करेंगे तो 100 पौधों में से मुश्किल से 25 पौधे भी नहीं बचते हैं, पौधे मर जाते हैं सारे। जब 80-90% पौधे मर जा रहे हैं तो इससे हमारा केवल, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना है कि पौधे हमारे जिंदा हैं या पौधे मर गए, इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। अगर पौधे कोई मर जाते हैं तो हमें उसकी जगह नए पौधे लगा के उनको, हमें उसको कवर करना चाहिए, ना कि हमें उसको मर गए तो उनको छोड़ देना चाहिए। अतः मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पौधे लगाइए और कोशिश करिए कि पीपल के पौधे, नीम के पौधे और बरगद के पौधे, इनको आप अधिक से अधिक लगाइए। हमारे एक, मैं आपको इस पे एक पुरानी कविता भी है इसमें कि बरगद एक लगाइए, पीपल रोपें पांच, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन सांच, यही पुरातन सांच, आज सब रहे हैं मान, भाग जाए प्रदूषण, सभी अब रहे हैं जान, विश्व ताप मिट जाए, होए हर जन मन गदगद, धरती पर त्रिदेव है, नीम पीपल बरगद। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।